जैसा कि आप जानते हो, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है वो है ओपन कैमरा, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि इसकी सारे सेटिंग को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मल वाला एप्लीकेशन में नहीं कर सकते। लेकिन इसमें इतना सारा सेटिंग है कि अगर एक भी सेटिंग मिस कर दिए तो फिर वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी, ना तो वीडियो की ऑडियो क्लियर होगी और वीडियो में फोकस भी कभी कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो अगर आप भी ओपन कैमरा का यूज करते हो तो फिर इसकी सारी सेटिंग की जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो चलो जानते हैं इसकी सारी सेटिंग्स को। जब आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप सिंपल सारे परमिशन को अलाउ कर देना। इस सेटिंग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में जानेंगे इसके बेसिक सेटिंग्स के बारे में और दूसरे पार्ट में जानेंगे इसके एडवांस सेटिंग के बारे में, जिससे कि वीडियो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सके। तो सबसे पहले आप इस सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके बेसिक सेटिंग को ओपन कर लेना। सबसे पहला सेटिंग मिलेगा फेस डिटेक्शन का। अगर आप इसे ऑन करोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ऑटोमेटिक आपके फेस को ये डिटेक्ट करता रहेगा। आप जब भी इधर उधर मूव करोगे इसका फोकस ऑटोमेटिक आपके फेस को डिटेक्ट करता रहेगा, जिससे कि आपकी वीडियो में ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो आप इसे ऑन मत करना और फिर रहने देना। इसके बाद का सेटिंग है टाइमर का। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां से टाइमर चूज कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करने के बाद कितनी देर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। तो आप यहां से 5 या 10 सेकेंड का टाइमर सेट कर सकते हो, ताकि जब भी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो तो आपके पास 5 से 10 सेकेंड का टाइम हो परफेक्ट जगह पे आने के लिए। उसके बाद रिपीट का ऑप्शन मिलेगा और रिपीट मोड इंटरवल का ऑप्शन मिलेगा। आप इसे जैसे है वैसे ही रहने देना। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी सेटिंग्स है उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करो, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना। और नीचे साइड में एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो सेटिंग का, तो आप उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि जो भी सेटिंग्स है यहीं पे मेन और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होने वाली है। और उसके बाद जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा वो है वीडियो रेजुलेशन का। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारा रेजुलेशन आ जाएगा। आप जितना ज़्यादा हाई रेजुलेशन को चूज करोगे उतना ही हाई क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड होगा। आप यहाँ से देख लेना कि आपका मोबाइल कितना तक सपोर्ट करता है, और उसके बाद जिस भी रेजुलेशन को आपका मोबाइल सपोर्ट करता होगा आप यहां से रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स मिलता है वीडियो फॉर्मेट का। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ फॉर्मेट आ जाएगा, तो आप यहां पर से सेकेंड वाला ऑप्शन MPEG-4 H.264 या फिर थर्ड वाला ऑप्शन MPEG-4 HEVC में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इस सेकेंड वाला ऑप्शन को ही सेलेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद सेटिंग्स मिलता है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो का। इसका मतलब ये है कि आप अपनी वीडियो को कितना लंबा रिकॉर्ड करना चाहते हो, और यहाँ पर सबसे लंबा टाइम होता है 1 आवर का, लेकिन आप इसे हमेशा सबसे ऊपर वाला ऑप्शन अनलिमिटेड को ही सेलेक्ट करके रखना, क्योंकि ये आपकी मर्जी पे डिपेंड होगा कि आप 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करोगे या फिर 2 घंटे का। तो आप हमेशा अपनी सेटिंग्स को अनलिमिटेड पे ही सेलेक्ट करके रखना। और उसके बाद सेटिंग्स मिलता है रीस्टार्ट वीडियो आफ्टर मैक्सिमम ड्यूरेशन का। अगर आप मैक्सिमम ड्यूरेशन सेट करते हो तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए है, जो पूछता है कि क्या आप अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाने पर रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं। तो आपको ये मैक्सिमम ड्यूरेशन वीडियो को सेट करना ही नहीं है तो फिर इस वाले ऑप्शन का भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सेटिंग्स मिलता है मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ वीडियो का। इसमें आपसे ये पूछता है कि आप कितना साइज तक का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, 1 GB, 5 GB या फिर 9 GB का। तो आप यहाँ भी डिफ़ॉल्ट पर ही सेट रहने देना, मेरी फाइल जितनी भी बड़ी हो कोई बात नहीं। उसके बाद सेटिंग मिलता है रीस्टार्ट ऑन मैक्सिमम फाइल साइज का। आप चाहो तो इसे ऑफ भी कर सकते हो या फिर ऑन भी रहने दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इसके बाद सेटिंग्स मिलता है रिकॉर्ड ऑडियो का। तो आपको अगर वीडियो में ऑडियो चाहिए तो इसे ऑन करना, और विदाउट ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसे ऑफ कर लेना। लेकिन हमें तो YouTube वीडियो के लिए वीडियो बनाना है तो ऑडियो तो चाहिए ही, तो मैं इसे ऑन ही रहने देता हूँ। उसके बाद सेटिंग मिलता है ऑडियो सोर्स का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है
कैमकॉर्डर का। इसमें आपकी आवाज़ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के थ्रू ही रिकॉर्ड होता रहेगा, लेकिन अगर आप बोया का या फिर किसी और एक्सटर्नल मिक का यूज करते हो तो आप इस सेकेंड वाला ऑप्शन एक्सटर्नल मिक पर सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करोगे, जिससे कि आप अपनी वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो वो वर्क नहीं करेगा, तो आप इसे ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेटिंग्स मिलता है ऑडियो चैनल का। आप यहां से मोनो या स्टूडियो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो आपकी मर्जी हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग मिलता है लॉक स्क्रीन भेन रिकॉर्डिंग वीडियो का। इसका मतलब है कि क्या आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अपनी स्क्रीन को लॉक करना चाहते हो, तो आप इसे ऑफ ही रहने देना, क्योंकि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो सकती है, लगेगा कि पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो आप इसे ऑफ ही करके रखना। उसके बाद सेटिंग मिलता है वीडियो बिटरेट का। तो आप यहां से जितना ज़्यादा MBPS सेलेक्ट करोगे आपकी वीडियो की क्वालिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप यहाँ से 100 से 150 तो ज़रूर रखना, और अगर आप कंप्यूटर में एडिटिंग करते हो तो आप 200 भी रख सकते हो। और उसके बाद सेटिंग आता है वीडियो फ्रेम रेट का। तो यहाँ भी आप जितना ज़्यादा फ्रेम रेट रखोगे वीडियो की क्वालिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप या PC में एडिटिंग करते हो तो फिर आप कुछ भी रख सकते हो, जितना ज़्यादा चाहो रख सकते हो, 100-200 कुछ भी। लेकिन अगर आप मोबाइल में एडिटिंग करते हो, वो भी काइन मास्टर से या फिर किसी भी एप्लीकेशन से करते हो, तो फिर आप यहाँ 60 से ज़्यादा मत रखना। उसके बाद सेटिंग मिलता है क्रिटिकल बैटरी चेक का। अगर आप इसे ऑन रखोगे तो फिर आपके रिकॉर्डिंग के टाइम स्क्रीन पे ये शो होता रहेगा कि आपके मोबाइल में कितना बैटरी बचा हुआ है। और उसके बाद सबसे नीचे में एक सेटिंग मिलता है फ्लैश व्हील रिकॉर्डिंग वीडियो का। अगर आप रिकॉर्डिंग के टाइम पर अपने फ्लैश को ऑन रखना चाहते हो तो फिर आप इसे ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप इसे ऑफ ही रहने देना। और इसके बाद बैक आ जाना, और यहाँ पर ये स्टार्टिंग में इमेज मोड में रहेगा, तो आप इस पर क्लिक करके इसे वीडियो मोड में कर लेना। और इसके बाद आता है यहाँ पर 3 एडवांस सेटिंग का ऑप्शन, तो तीनों को अच्छे से जरूर समझना। सबसे पहले आता है फोकस का। अगर आप फोकस लॉक नहीं करोगे तो फिर आपके वीडियो में फोकस ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा, जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल बेकार सी रिकॉर्ड होगी। तो आप फोकस तो ज़रूर लॉक कर लेना। इसके लिए आपको जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है उसके सामने स्क्रीन पर क्लिक करना और फिर इस 3 लाइन पर क्लिक करना। यहाँ पर एक लॉक का आइकॉन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। आपका फोकस अब लॉक हो चुका है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम कितना भी हिलो डुलो, आपका फोकस हमेशा जहाँ पे लगाया हुआ है वहीं पे रहेगा। और इसके बाद सेटिंग आता है एक्सपोजर का। अगर आपको रिकॉर्डिंग के टाइम ऐसा लग रहा है कि वीडियो में लाइट कम है या फिर जो चेहरा है वो डार्क दिख रहा है, तो आप इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करना, यहाँ से लाइट ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वीडियो में लाइट ज़्यादा है तो आप यहाँ से माइनस वाले बटन पे क्लिक करना, लाइट ऑटोमेटिक से कम हो जाएगा। और जब लाइट सही हो जाए तो फिर इस लॉक वाले बटन पर क्लिक करके एक्सपोजर को लॉक कर देना, नहीं तो फिर आपकी लाइट ऑटोमेटिक कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग, जिसे आप अप्लाई करके आप अपनी वीडियो को HD क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो फिर इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लो। और अगर YouTube पे फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो फिर इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लो।